मंगलवार को एक बड़ी वारदात ने राजस्थान को दहला दिया। कुछ बदमाशों ने श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सिर्फ 20 सेकंड में पूरी मैगजीन खाली कर दी और बैठे बैठे गोगामेड़ी की जान ले ली। इस घटना के बाद से ही गोगामेड़ी के समर्थकों में आक्रोश है। पूरे राजस्थान में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। विवादों से गोगामेड़ी का पुराना नाता रहा है। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि गोगामेड़ी किन विवादों में घिरे हैं और क्या रहा उनकी मौत का कारण। अपने पूरे जीवन में गोगामेड़ी हमेशा विवादों से घिरे रहे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 2017 में पद्मावत फिल्म के विरोध के कारण चर्चा में आए थे। जयगढ़ में पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के लोगों ने वहां तोड़फोड़ कर दी। इसके अलावा गैंगस्टर आनंद पाल का इंकाउंटर होने के बाद राजस्थान में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान भी गोगामेड़ी चर्चा में बने रहे थे। इसके अलावा गोगामेड़ी अपने पारिवारिक जीवन के चलते भी विवादों में बने रहे थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने 3 शादियां की थी, लेकिन पत्नियों से उनका विवाद चल रहा था। उनकी 2 पत्नियों ने कई बार सोशल मीडिया पर आकर पारिवारिक झगड़े को उजागर भी किया था। इस कारण भी गोगामेड़ी चर्चा में रहते थे। सुखदेव सिंह कई साल से राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े हुए थे। साल 2012 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने उन्हें करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद हुआ तो सुखदेव ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग संगठन बना लिया था। गोगामेड़ी इसी संगठन के अध्यक्ष थे। गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और लॉरेंस गैंग के बीच लंबे समय से झड़प की खबरें सामने आ रही थी। लॉरेंस गैंग के संपत नेहरा ने सुखदेव को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी मिलने के बाद गोगामेड़ी ने जयपुर पुलिस को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई थी। ऐसे में गोगामेड़ी की हत्या को पुलिस की लापरवाही भी माना जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।